क्लास इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो दो रिएक्शंस डिस्कस करने जा रही हूँ जो रिएक्शन जिस रिएक्शन में आज आपको प्रॉब्लम आई थी. सो पहली रिएक्शन थी हमारी कि MnO4- माइनस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू Mn2+ आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस H+ आयन. और दूसरी रिएक्शन थी हमारी Cr2O7 2- माइनस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस प्लस H+ गिव्स यू Cr3+ प्लस सल्फेट आयन प्लस वाटर. ठीक है, इसको MnO4- माइनस को हम बोलते हैं पर मैंगनेट आयन. ठीक है, तो इसको हम आपका बोलते हैं पर मैंगनेट आयन. MnO4- माइनस को परमैंगनेट आयन बोलते हैं. ये आपका पिंक वायलेट कलर का होता है. उसी तरीके से इसे हम आपका बोलते हैं Cr2O7 2- माइनस को हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन. और ये आपका ऑरेंज कलर का होता है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो पिंक वायलेट कलर का परमैंगनेट आयन होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कलरलेस Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली ऑरेंज कलर का ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका ग्रीन कलर के Cr3+ आयन के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड पिंक वायलेट कलर के परमैंगनेट आयन को कलरलेस मैंगनीज आयन में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट आयन को ग्रीन कलर के Cr3+ आयन के अंदर कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी वो मैंने इस कंटेक्स्ट में आपको बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस आपकी एक जैसी बिहेव करती है, यानी कि ये दोनों गैसेस आपके लाइम वाटर को क्या कर देती हैं, मिल्की कर देती हैं. तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देंगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो गैस मैं लाइम वाटर के अंदर पास कर रही हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है. ठीक है, सपोज करो हमने एक अननोन गैस लाइम वाटर से पास की और लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया. ठीक है, अब वो अननोन गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है ना, क्योंकि दोनों ही आपकी लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं. ठीक है, तो अब मैं कैसे बताऊंगी कि ये जो मेरी अननोन गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो इसके लिए मैंने अभी आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये चीज नहीं है. तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी कंडीशंस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन सी कंडीशंस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो बेटा जो भी जिस भी चीज के साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और आपका प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, अगर ये चीज जिसके साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है अगर ये चीज आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा. ठीक है, तभी वो आपका इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक ऐसी चीज से रिएक्ट कर रहा है जो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा और वो आपका प्रोडक्ट बनाएगा. तो कहने का मतलब ये है अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह के साथ आपका रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पोटेशियम परमैंगनेट
जिसका फॉर्मूला है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। ये दोनों ही मेरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को कौन सा बिहेवियर लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट वाला या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला? तो इन दोनों की प्रेजेंस में, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट वाला बिहेवियर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करती है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी ये चीज क्लियर हो गई कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब पोटेशियम परमैंगनेट को मैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ये आपका डिसोसिएट करके देता है पोटेशियम आयन और MnO4- आयन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पिंक वायलेट कलर, और ये कलर पोटेशियम परमैंगनेट का किस वजह से होता है, वो आपका MnO4- की वजह से होता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर पोटेशियम आयन है और MnO4- है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आपके पोटेशियम आयन भी है और ये परमैंगनेट आयन भी है। तो अब पोटेशियम आयन पिंक वायलेट कलर का होता है या परमैंगनेट आयन आपका पिंक वायलेट कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम परमैंगनेट आपका पिंक वायलेट कलर दे रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पोटेशियम आयन पिंक वायलेट कलर का है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट आयन पिंक वायलेट कलर का है, जिसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आपका पिंक वायलेट कलर का आ रहा है। तो आंसर है आपका MnO4 माइनस। तो ये जो एनायन होता है परमैंगनेट आयन का, ये जो एनायन है ये आपका एक्चुअल में पिंक वायलेट कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आता है आपका पिंक वायलेट। ठीक है, इसी उसी तरीके से अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, यानी कि K2Cr2O7 की बात करें, जो कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आपका आयनिक कंपाउंड है, ये भी आपका किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन मतलब Cr2O7 2-, इसको हम कहते हैं आपका डाइक्रोमेट आयन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर आ रहा है वो पोटेशियम आयन की वजह से आ रहा है या डाइक्रोमेट आयन की वजह से आ रहा है? तो आंसर है वो डाइक्रोमेट आयन की वजह से आ रहा है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन आपके क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में ये परमैंगनेट आयन यानी कि MnO4- आपके पिंक वायलेट कलर के हैं, तो यही मैंने लिखा है MnO4- जो कि परमैंगनेट आयन है वो आपका पिंक वायलेट का कलर है, पिंक वायलेट के कलर का है आपका। ठीक है, जस्ट लाइक दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो उसके Cr2O7 2- यानी कि डाइक्रोमेट आयन की वजह से है, क्योंकि इसका कलर आपका ऑरेंज होता है। तो मैंने यही लिखा है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को ना लिख करके मैंने यहाँ पे लिखा है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- आयन, जिसका कलर आपका होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि परमैंगनेट आयन का कलर है पिंक वायलेट और डाइक्रोमेट आयन का कलर है ऑरेंज। ठीक है, परमैंगनेट आयन आपके किससे आ रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से आ रहे हैं, और डाइक्रोमेट आयन किससे आ रहे हैं आपके, पोटेशियम डाइक्रोमेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक वायलेट कलर उसके परमैंगनेट आयन की वजह से है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर उसके इस डाइक्रोमेट आयन की वजह से है। ठीक है, अब
अब हम आपका देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी MnO4 माइनस में मैंगनीज की और Cr2O7 माइनस में आपकी क्रोमियम की। तो यानी कि अब हम इन दोनों एनायन के अंदर मैंगनीज और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो MnO4 माइनस में अगर आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स एज्यूम कर लो और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये आपकी आएगी +7। ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर हम Cr2O7 माइनस के अंदर अगर यानी कि डाइक्रोमेट आयन के अंदर अगर मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स एज्यूम कर रही हूं और इसको फाइंड आउट करती हूं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आती है +6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपका कि पर मैग्नेट आयन के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और Cr2O7 2 माइनस के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +6। ठीक है, और हम ये भी चीज बता चुके हैं अभी आपको कि पर मैग्नेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने आपको बताया ये। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मेरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और MnO4 माइनस आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब दोनों रिएक्शंस में एक फर्क आपका क्या है, एक फर्क ये है आपका यहाँ पर वाटर है ऊपर वाली रिएक्शन में, यहाँ पर प्रोटॉन्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है जो कि डाइक्रोमेट आयंस की वजह से है, ये डाइक्रोमेट आयंस कौन से मीडियम में प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन को एसिडिक मीडियम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका तरीका क्या होता है आपका, इसका तरीका होता है आप एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के, और उसके अंदर आप ऐड कर दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे और उसके अंदर ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल दोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा डाइक्रोमेट आयन और साथ में होगा आपका प्रोटॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखते हो तो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पर तो आपका प्रोटॉन है जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब क्या है, आपने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोला, जैसे यहाँ पर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में घोला क्योंकि आपको एसिडिक मीडियम चाहिए था, प्रोटॉन्स चाहिए थे। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर वाली रिएक्शन में आप पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर घोलोगे तो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास पिंक वायलेट कलर के क्रिस्टल्स हैं, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, KMnO4 के। आप इसमें क्या कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो। तो जब आप इसमें वाटर डालोगे और इसको घोलोगे तो आपका ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट आयन से आपके परमैंगनेट आयन होंगे यानी कि MnO4 माइनस होंगे जो कि आपके पिंक वायलेट कलर के हैं और साथ में आपका वाटर होगा यानी कि आपको उस मीडियम है क्योंकि तो वाटर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोला तो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर परमैंगनेट आयन और वाटर है और जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में घोला तो हमारी टेस्ट ट्यूब में डाइक्रोमेट आयन और प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो पहले हम पहले वाला केस यानी कि ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर MnO4 माइनस आयन है और वाटर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब मैं पास करूंगी सल्फर डाइऑक्साइड। जब मैं इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड पास करूंगी जिसके अंदर आपके MnO4 माइनस है और वाटर है, तो यानी कि जब ये वाली टेस्ट ट्यूब में मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करूंगी तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगी, वो MnO4 माइनस को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो MnO4 माइनस को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि वो MnO4 माइनस के अंदर मैंगनीज की जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कम कर देगी। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है वो आपके MnO4 माइनस के मैंगनीज के +7 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करके मैंगनीज के का +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगी।
यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिड्यूस कर देगी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 से MnO4 माइनस के अंदर, ठीक है, उससे रिड्यूस कर देगी, प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस करके यानी कि डिक्रीज करके आपका प्लस 2 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो मैंगनीज प्लस 2 आयन होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड ने इस MnO4 माइनस का रिडक्शन कर दिया। कैसे कर दिया, उसने इस MnO4 माइनस की के अंदर जो मैंगनीज था जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 थी उसको उसने प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसने मैंगनीज का रिडक्शन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो किसने किया, सल्फर डाइऑक्साइड ने किया। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये Mn2+ आयन आपके क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने पिंक वायलेट कलर के परमैंगनेट आयन को रिड्यूस कर दिया आपका कलरलेस मैंगनीज आयन के अंदर, और खुद ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी ऑक्सीडाइज हो गई किसके अंदर, आपकी सल्फेट आयन के अंदर। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फेट आयन के अंदर, ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट आपका प्रोटोन बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, जैसे जैसे आपका रिएक्शन होगा, जैसे वैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे सल्फर डाइऑक्साइड परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करती जाएगी, है ना। और रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ डिसअपियर होते हैं और प्रोडक्ट्स टाइम के साथ अपियर होते हैं। तो रिएक्टेंट जो कि आपका पिंक वायलेट कलर का परमैंगनेट आयन था वो टाइम के साथ डिसअपियर होता जाएगा और आपका टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा, यानी कि कलरलेस मैंगनीज आयन बनते जाएंगे। तो इसका मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड इस परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पिंक वायलेट कलर को कलरलेस मैंगनीज आयन के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। यानी कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप परमैंगनेट आयन के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आपका MnO4 माइनस आयन है और वाटर है आपका, इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो आपका पिंक वायलेट कलर इस परमैंगनेट आयन का खत्म हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इस परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करके उसे कलरलेस मैंगनीज आयन में कन्वर्ट कर देगी, तो प्रोडक्ट का कलर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मैंगनीज आयन है और वो आपका कलरलेस है, और रिएक्टेंट का कलर खत्म हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट आपका पिंक वायलेट था जो कि आपका परमैंगनेट आयन की वजह से कलर आ रहा था। तो ये आपका खत्म हो जाएगा और ये आपका अपीयर होगा आपका टाइम के साथ। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया इसके साथ, ठीक है। क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट था तब उसने रिएक्ट किया। तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके अंदर एबिलिटी है कि वो पिंक वायलेट कलर के परमैंगनेट आयन को रिड्यूस करके कलरलेस मैंगनीज आयन में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से आपका जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप पोटेशियम परमैंगनेट की एक्वस सॉल्यूशन से पास करोगे तो उसका पिंक वायलेट कलर आपका कलरलेस हो जाएगा आपका, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो गैस आपने पास की है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है और पिंक वायलेट कलर को पोटेशियम परमैंगनेट आयन के उसको कलरलेस कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग एजेंट वाली एबिलिटी नहीं है, ठीक है। सेम चीज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर डाइक्रोमेट आयन है और प्रोटॉन्स है। डाइक्रोमेट आयन क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, और ये डाइक्रोमेट आयन किससे आ रहे हैं आपके, पोटेशियम डाइक्रोमेट से आ रहे हैं, और ये प्रोटॉन्स किससे आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं। तो हमने क्या किया था, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स लिए, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो अब मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आ गए, मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तो प्रोटॉन्स आ गए जो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आए, और डाइक्रोमेट आयन्स आए ऑरेंज कलर के जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से आ रहे हैं। तो अब मेरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइक्रोमेट आयन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पास कराऊंगी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी पास कराई। तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगी, वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इस डाइक्रोमेट आयन के अंदर है उसको रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी आपकी, ठीक है, और इस डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन करके उसे Cr3+ में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। एक बार और बताती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाइक्रोमेट आयन और प्रोटॉन्स के सॉल्यूशन के अंदर हम पास करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो इस डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन करके उसे Cr3+ आयन में कन्वर्ट कर देगा। डाइक्रोमेट आयन आपके ऑरेंज कलर के थे, Cr3+ आपके ग्रीन कलर के हैं,
तो डाइक्रोमेटाइन यानी कि टाइम के साथ जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड इस डाइक्रोमेटाइन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो ऑरेंज कलर इस डाइक्रोमेटाइन का खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर क्रोमिक आयंस का यानी कि Cr3+ का क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये ग्रीन कलर क्यों आया Cr3+ का, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ने इस डाइक्रोमेटाइन का रिडक्शन किया ग्रीन कलर के Cr3+ आयन के अंदर। ठीक है, और कैसे किया आपका रिडक्शन, क्योंकि अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि इस डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस डाइक्रोमेट आयन में क्या है, +6 है। तो जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड इसमें पास की तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +6 से किसमें कन्वर्ट हो गई, वो +3 में चला गया। तो यानी कि क्रोमियम का की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्रोमियम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ने इस डाइक्रोमेटाइन का क्या कर दिया, डाइक्रोमेटाइन के अंदर क्रोमियम का रिडक्शन कर दिया, जिसकी वजह से डाइक्रोमेटाइन का ऑरेंज कलर आपका खत्म होता जा रहा है और क्रोमियम क्रोमिक आयंस का, इसको हम बोलते हैं क्रोमिक आयंस, और क्रोमिक आयंस का ग्रीन कलर आपका अपीयर हो रहा है। तो टाइम के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन कर देगी Cr3+ आयन के अंदर, तो ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट आयन का खत्म हो जाएगा और ग्रीन कलर Cr3+ आयन का आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है, तो इसका कलर डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट का कलर आपका अपीयर होगा जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करके आपका ग्रीन कलर के Cr3+ आयन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और खुद सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन के अंदर। तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयन बना देगा और साथ में आपका ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन ले लेते हैं जिसमें डाइक्रोमेट आयंस और प्रोटॉन्स है, जैसे कि मैंने अभी आपका ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सॉल्यूशन बनाया है जिसमें डाइक्रोमेट आयन है और प्रोटॉन्स है, क्योंकि ऑरेंज जो कि आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, तो जब मैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करूंगी तो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपका Cr3+ आयंस की आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे और डाइक्रोमेट आयन के एसिडिक सॉल्यूशन के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में आपका कन्वर्ट कर दे। तो अगर आपकी गैस सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो अगर आप उस गैस को अगर आप डाइक्रोमेट आयन और प्रोटॉन्स के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप पास करोगे, यानी कि आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास करोगे, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑरेंज कलर को पोटेशियम डाइक्रोमेट के उसको आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और उसका ऑरेंज कलर ग्रीन कलर हो जाता है, तो इसका मतलब जो गैस हमने पास कराई है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो डाइक्रोमेट आयन के ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन ग्रीन कलर के क्रोमिक आयन में कर देता है। सो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिस्टिंग्विश करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दो टेस्ट ट्यूब रेडी कर सकती हूँ, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने आपका पोटेशियम परमैंगनेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करो, तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा वो आपका पिंक वायलेट कलर का होगा। ठीक है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड हम इसमें पास करेंगे तो पिंक वायलेट कलर आपका कलरलेस हो जाएगा, और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें पास की गई तो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस ये बता रही हैं कि आपने जो गैस पास की है इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर आपने वो आपकी कौन सी की है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों सॉल्यूशन में पास करोगे तो वो ये रिएक्शन नहीं जाएगा और वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक वायलेट कलर को कलरलेस नहीं करेगा, सिमिलरली वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर लोगे कि कौन सी गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है और कौन सी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर।